हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत डंगार के अंतर्गत आने वाले गांव चोखना के पास जंगल में स्थित शिवलिंग अपने अंदर न जाने कितने ही रहस्य अपनी गहराई में समाये हुए हैं। माना कि 21वीं सदी है, लेकिन अगर आस्था है तो कोई और बात करना बेईमानी हो जाती है। गांव के लोगों के अनुसार ये शिवलिंग लगभग 300 साल पुराना है और कई बुजुर्ग इसे 400 साल पुराना बता रहे हैं। ये पत्थर की शिवलिंग एक बड़े पत्थर के ऊपर गांव चोखना और छंदोह गांव के जंगल के बीच पहाड़ी पर विराजमान है। यहां पर तीन पंचायतों दुदोल, पंडयालग, डंगार की सीमा भी यहीं पे मिलती है। स्थानीय बुजुर्गों के अनुसार ये राजा हीराचंद के समय का बना हुआ शिवलिंग है और यहाँ बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर ओखली भी बनी हुई है, जिससे लगता है कि पुराने समय में लोग सामग्रियों की कुटाई इन्हीं ओखलियों में करते थे। बुजुर्गों का कहना है कि यहाँ 360 देहल भी बनी हुई थी। पर यह देहल आज के समय में अस्त व्यस्त और विलुप्त हो गई है और यहाँ राजाओं का गढ़ हुआ करता था। जब भी शिवरात्रि या शिव का कोई त्योहार होता है तो यहाँ स्थानीय लोग एकत्रित होकर शिवलिंग की पूजा करते हैं, दूध चढ़ाते हैं और उत्सव को मनाते हैं। इन लोगों में इस शिवलिंग के प्रति बहुत आस्था है। कुछ लोग हर रोज यहाँ पूजा करने आते हैं और भगवान शिव से मनोकामना मांगते हैं। स्थानीय निवासियों रेशम पटियाल, मलकी चंदेल, बलवंत सिंह, शरवण सिंह, ज्ञान सिंह, शेर सिंह, जगदीश, अमरनाथ आदि ने सरकार से मांग की है कि इस क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से भी विकसित किया जाए और यहाँ पे भव्य मंदिर का निर्माण करवाया जाए ताकि इस प्राचीन धरोहर को संभाल कर रखा जा सके। वही नीलम चंदेल, जिला बासा अधिकारी बिलासपुर का कहना है कि लोगों की मांगों को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र का निरीक्षण करवाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला मुख्यालय में किन्नौर के विभिन्न स्थानों से आए लोगों ने सोनम हत्या मामले में पुलिस कार्रवाई से न खुश होकर प्रदर्शन किया। उसके बाद नाराज भीड़ पोवारी नामक स्थान में नेशनल हाईवे पर 12:30 बजे पहुंची और रोड 3:30 बजे तक जाम रखा। हालांकि सहायक आयुक्त और DSP मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ जिलाधीश और पुलिस प्रमुख को मौके पर लाने की मांग कर रहे थे। उल्लेखनीय है कि 7 सितंबर को किन्नौर के पू के समीप भगत नाला के साथ सतलुज नदी से घरेलू उपयोग के लिए रेत निकालते हुए खनन माफिया ने सोनम की महिंद्रा पिकअप गाड़ी को रोककर बेरहमी से पिटाई की थी। उसके बाद सोनम लापता है। घटना स्थल पर गाड़ी से लेकर सतलुज किनारे तक खून के धब्बे पाए गए, जिस कारण अंदेशा है कि सोनम को मारकर सतलुज नदी में फेंका गया है। हालांकि पुलिस ने लोगों के विरोध को देखते हुए 9 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनका पुलिस रिमांड चल रहा है। लोगों को भनक लगी है कि इस मामले में मुख्य आरोपी को बचाने के लिए कई हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। लोगों का आरोप है कि इस घटना में कथित रूप से प्रमुख भूमिका निभाने वाले युवक की उच्च प्रशासनिक पहुंच और पुलिस जांच प्रभावित हो सकती है, इसलिए प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि सोनम के असली हत्यारे को सजा मिले। इससे पहले 9 सितंबर को हंगरंग घाटी के लोगों ने पू ADM ऑफिस और पू थाने घेराव किया था और हत्यारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। सहायक आयुक्त किन्नौर हर्ष अमरेंद्र ने लोगों से अपील की है कि उन्हें 4 दिन का मौका दें। इस बीच सारा मामला सुलझा कर उनके सामने रख दिया जाएगा, लेकिन लोग उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। सोनम की मां कृष्णा देवी ने बताया कि उनका लड़का रेत लेने गया था और 9 लोगों ने हत्या कर दी, लेकिन पुलिस इस मामले में गंभीरता से जाँच नहीं कर रही है, इसके पीछे साजिश है। सोनम की बहन छोड़ेन ने बताया कि आज हफ्ता गुजर चुका है, लेकिन पुलिस के पास सबूत के नाम पर कुछ भी हाथ नहीं लगा है। इससे स्पष्ट है कि पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। पुलिस किसी ऊपरी दबाव में काम कर रही है और हथियारों को बचाना चाहती है। इसकी CBI जांच होनी चाहिए। हंगरंग घाटी संघर्ष समिति के अध्यक्ष शांता कुमार ने बताया कि किन्नौर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस जघन्य हत्या में पुलिस के हाथ अभी तक कुछ नहीं लगा है। कई बार पुलिस और प्रशासन के दरबार पर गए, लेकिन पुलिस प्रशासन इस मामले
में गंभीर नहीं है। हथियारों को अपने बचाव के लिए पर्याप्त समय दिया जा रहा है और इस मामले में कुछ मजदूरों को गुनहगार बनाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है और जो मुख्य आरोपी हैं वे कुछ उच्च प्रशासनिक संबंध और धन बल के दम पर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और आज उन्होंने नेशनल हाईवे 5 जाम किया है। संजीव नेगी ने बताया कि 7 सितंबर को सोनम के साथ हुए दर्दनाक हादसे में पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से नाखुश होकर लोगों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया है और मांग कर रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो। उन्होंने विरोध स्वरूप नेशनल हाईवे को घंटों से जाम किया हुआ है।